गाजियाबाद के कविनगर इलाके में कल एक अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें निर्दोष राणा नाम के युवक के अपहरण की बात कही गई थी। पुलिस ने आज निर्दोष राणा को बरामद कर लिया है और मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये थाना कविनगर में कल एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसका नाम निर्दोष राणा है, उसके अपहरण की सूचना दी गई थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके इस घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई गई थी। इसी के क्रम में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से इस निर्दोष राणा नाम के व्यक्ति को बरामद किया गया। जब पूछताछ की गई तो ये बात सामने निकल के आई कि निर्दोष राणा और इसके 2 अन्य साथियों ने इनसे नौकरी लगवाने के नाम पे लगभग 50 से 55 लाख रुपए ले लिए थे। ये अपने आप को CBI का बताते हुए कुछ सरकारी कार्यालयों में नौकरी लगाने का दावा कर रहे थे और इसके लिए इन्होंने पैसे ले रखे थे। जब इनके द्वारा कई दिन तक नौकरी नहीं लगवाई गई और पैसे भी नहीं वापस किए गए, तो ये 8 लोग जिनके कि पैसे लगे थे, उन लोगों ने इनका अपहरण कर लिया और उसके बाद परिवार को ये सूचना दी कि अगर इनको वापस चाहते हो तो पैसे लाओ, तभी इनको छोड़ा जाएगा। थाना कविनगर ने इस संबंध में, जैसा मैंने बताया, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।